श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री महावीराय नमः जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थसूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय तत्वार्थसूत्र में पढ़ रहे थे, जिसमें आश्रव तत्व नाम का अधिकार समझ रहे थे। इसमें हमने देखा था 16 कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रगति का आश्रव हुआ करता है। दर्शन विशुद्धि के बारे में समझ रहे थे, जिसमें अपन ने कल देखा था 3 मूर्ताओं में देव मूर्ता का अभाव होना चाहिए, क्योंकि देव मूर्ता के कारण ही हम सब लोग संसार में भटकते हैं। उसके बारे में समझेंगे, गुरु मूर्ता के बारे में समझेंगे। पहले उसके हम जो 24वां नंबर जो सूत्र है उसको बोर्ड के माध्यम से एक बार अवलोकन कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तत्वार्थसूत्र का 6वें अध्याय का यह है 24वां नंबर सूत्र है। इसकी संधि विच्छेद करके आपको बता रहे हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शीलव्रतेषु अनतिचार अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितः त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तकरणम अर्हत आचार उपाश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक अपरिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वसलत्वम इति तीर्थकरत्वस्य। ये सभी तीर्थंकर प्रगति के आश्रय के कारण हैं। दर्शन विशुद्धि को अपन समझते हैं। इसमें कल देखा था देव मूर्ता का अभाव, आज अपन देखेंगे गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता का अभाव। तो जो जीव ख्याति लाभ पूजादि आदि से भरे हुए हैं, ऐसे को देवी देवता जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान वाले जीव हैं, जो संसारी हैं, अभी भोग विलासों से संपन्न हैं, विषय कषायों से सहित हैं, संसार में रहने वाले हैं, चतुर्गति में भ्रमण करने वाले हैं, ऐसों को देव मान करके पूजना और उनसे लौकिक इच्छाएं रखना, ये सब जो क्या है देव मूर्ता कहलाती है। जल को देवता मानना, पीपल के पेड़ आदि को देवता मानना, अग्नि को देवता मानना और किसी भी चीज़ को देवता मान लेते हैं, जानवरों को भी देवता मान लेते हैं कि गाय भी एक देवता है, कितने करोड़ देवी देवता उसमें निवास करते हैं, वो देव है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से मिथ्या मान्यताएं हमारे देव मानने की हैं और वो सभी देवी देवताओं को मानते हैं लौकिक इच्छा के भाव से, सांसारिक सुखों की इच्छा के भाव से, जो देव का स्वरूप भी नहीं है। देव का स्वरूप तो निर्दोष 18 प्रकार के दोषों से रहित होता है, वही देव वही देवादि देव वही परमात्मा होता है। इस प्रकार के स्वरूप को ना जान करके अनेक प्रकार के सुखों की इच्छाओं से भगवान को मानना और उन्हें भगवान का स्वरूप देना, ये सभी देव मूर्ता कहलाती है, अज्ञानता कहलाती है। इसी प्रकार से हम सब लोग जो चतुर्गति में एक देवगति होती है, तो देवगति की भी देवी देवता हुआ करते हैं, उनको भी हम सांसारिक सुख की इच्छा से उन्हें परमात्मा का स्वरूप दे देते हैं और उनसे हम वर की इच्छा रखते हैं, ये सब भी उनकी देव मूर्ता कहलाती है। कहते हैं कि वो हमारा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राम रावण आदि का युद्ध हुआ था तो रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी, ठीक है ना, और कौरवों ने क्या की थी, कात्यानी नाम की विद्या सिद्ध की थी, लेकिन फिर भी
वो राम का कुछ नहीं कर पाए और ना ही कौरव जो हैं पांडव का कुछ बिगाड़ पाए। इस प्रकार से वो विद्याएं भी साथ नहीं दे सकती हैं। जब तक हमारा पुण्य का उदय है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पाप के उदय में बहुत सारे लोग निमित्त मिल जाएं, पाप के निमित्त में तो एक तिनका से भी व्यक्ति का घात हो जाए, और पुण्य का उदय हो तो पूरा वृक्ष भी ऊपर गिर जाए तो चोट भी खरोच भी ना आए। इस प्रकार से अपने पुण्य पाप पर ही विश्वास करना कि जो कुछ भी हमारा नुकसान हो तो वो हमारा पाप कर्म का उदय है और जो हमारा कुछ अच्छा हो तो हमारा पुण्य का उदय है। इसमें किसी परमात्मा का लेन देन हिसाब किताब कुछ भी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। और यदि इसमें यदि हम परमात्मा को डालते हैं कि जो अच्छा किया तूने किया, जो बुरा किया तूने किया, तो ये सब देव मूर्ता में आ जाएगा। इस प्रकार से अपन ने देव मूर्ता के बारे में आज समझा। अब आइए आज पढ़ते हैं गुरु मूर्ता के बारे में। गुरु मूर्ता जो आरंभ परिग्रह सांसारिक आदि के बंधनों से सहित हों, आडंबर सहित हों, ऐसे गुरुओं को धर्म का गुरु मान करके उनका नमस्कार, पूजन, वंदन, आदर, सत्कार आदि करना, ये सब गुरु मूर्ता हैं। क्यों? क्योंकि जो अभी संसार में स्वयं फंसे हुए हैं वो किसको संसार से पार कर सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा हो तो वो दूसरे को कैसे गड्ढे से निकाल सकता है? स्वयं तो गड्ढे में पड़ा हुआ है और दूसरे को गड्ढे से निकालने की बात करे तो ये हास्यास्पद है, वो उसको निकाल नहीं सकता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति स्वयं ही जो है अस्त्र शस्त्र वस्त्र गृहस्थ इन सबसे सहित हो, सापत्निक हो, बच्चों से सहित हो और वस्त्र आदि से सहित हो, आडंबरों से सहित हो, तो वो स्वयं भोग विलास में रहने वाला व्यक्ति दूसरों के भोग विलास कैसे कम कर सकता है? जो स्वयं इंद्रिय आसक्त हो, जैसे कोई रात्रि भोजन कर रहा हो वो किसी का रात्रि भोजन कैसे छुड़ा सकता है? जो अवक्ष का सेवन कर रहा हो वो दूसरे का अवक्ष का सेवन कैसे छुड़ा सकता है? जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी हैं और वो शराब आदि पीते हों, सिगरेट आदि पीते हों या गुटखा आदि खाते हों, तो वो उनका अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चों से कहें कि बेटा तुमको नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि जब तुम ही बिगड़े हुए हो तो दूसरे का सुधारने का अधिकार भी तुम्हारे पास नहीं बनता है। इसी प्रकार से जो गुरु के आसन में बैठ कर के वो आरंभ सारंभ में लगा रहो, संसार बढ़ाने में लगा रहो, जो संसार छोड़ कर के एक कोट एक कमरा छोड़ कर के हजारों कमरों की चाह कर रहा हो, एक माता पिता आदि को छोड़ कर के संसार को अपना बनाने में लगा हो, तो वो तो महापरिग्रहवान जीव हो गया। तो ऐसा परिग्रहवान जो जीव है वो गुरु की श्रेणी में नहीं आ सकता। गुरु कौन? जो निर्ग्रंथ हों। ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है गांठ, जो गांठ से रहित हों, जिनके अंदर कोई गांठ ना हो, परिग्रह की गांठ ना हो, संसार की गांठ ना हो, भोग विलास वासनाओं की गांठ ना हो। और ग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह, जिनके पास तृण मात्र भी परिग्रह ना हो, जो शरीर को भी परिग्रह मानते हों, जो अपनी कसाई को भी परिग्रह मानते हों कि यदि मैं क्रोध मान माया लोभ यदि मेरा राग द्वेष आया तो वो भी मेरा परिग्रह है, और उस परिग्रह को निकालने में भी जो लगे हों वो निर्ग्रंथ साधु कहलाते हैं। दिगंबर, जिसका आकाश ही जिसका वस्त्र हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तहा तपस्वी सा प्रशस्ते, जो विषयों की आशा से अतीत हो गए हैं, आरंभ परिग्रह आदि से रहित हो गए हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्तहा जो ज्ञान और उसका फल ध्यान इसमें ही रक्त रहते हों, वो है साधु कहलाते हैं, वो गुरु कहलाते हैं, वो गुरु की श्रेणी में कहलाते हैं। लेकिन इनसे जो विपरीत हो, जो ज्ञान ध्यान में नहीं सिर्फ ज्ञान ध्यान की बातें करते हों और जो संसार के चक्रों में लगे हों, तो वो सभी परिग्रही गुरु नहीं कहलाते हैं। और उनको गुरु मानना,
उनको गुरु मान करके अपना अपना धर्म आगे बढ़ाने के भाव रखना, वो सब की सब जो है गुरु मूर्ता है। इसे पाखंडी मूर्ता भी कहते हैं, पाषंडी मूर्ता भी कहते हैं, क्योंकि साधु को पाषंडी भी पाखंडी भी आदि अनेक शब्द बोलते हैं। अब पाखंडी आजकल बोलते हैं तो उसे गाली समझते हैं, अपशब्द समझते हैं। पाखंडी का अर्थ वो नहीं होता, तो गाली नहीं होता है। पाप का जो खंड खंड करे उसे पाखंडी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आरंभ सारंभ वाले पाषंडी पाखंडी या गुरु साधु जो होते हैं वो गुरु मूर्ता में आते हैं। वो अज्ञानता है उनको गुरु मानना, अज्ञानता है उनको धर्म का गुरु मानना, अपने कल्याण का गुरु मानना, अपने उपकार का गुरु मानना, ये सब गुरु मूर्ता में आता है। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, जैसे अभी हमने जाना गुरु मूर्ता के बारे में, जो दिगंबर साधु नहीं हैं उनका तो सच है कि वो आरंभ परिग्रह सहित हैं, हम उनका वैसे ही अज्ञानवश हम उनकी वैसे ही आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। लेकिन जो हमारे दिगंबर साधु हैं उन्होंने सब कुछ चीज़ों को परिग्रह को त्यागा हुआ है, लेकिन अगर वो भी परिग्रह को स्वीकारते हैं, उनसे सहित हैं, और हम वो जानते हुए भी कि दिगंबर साधु हैं तो नहीं करना चाहिए, अगर हम तब भी उनका सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो क्या ये भी हमारा मूर्ता में आता है? जो मिथ्या शास्त्र आदि पढ़ कर के अनेक प्रकार के लिंग को अर्थात वेश को धारण करते हैं विविध प्रकार के, वो गुरु तो मिथ्या कहलाते ही कहलाते हैं, क्योंकि वो आरंभ परिग्रह और मिथ्या बातों से संपन्न होते हैं। यहाँ पर मिथ्या गुरु वही लेना है जो मिथ्यात्व से सहित हों और मिथ्या मार्ग में चल रहे हों। आरंभ जैसे हिंसा के कार्य हैं, परिग्रह जो संसार बढ़ाने वाला कार्य है उससे संपन्न हैं, वे सभी मिथ्या गुरु कहलाते हैं और उनका आदर सत्कार करना ये गुरु मूर्ता में कहलाता है। यदि जिन्होंने निर्गंथ अवस्था को धारण किया है और आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया है और वो यदि आरंभ करें हिंसा आदि के कार्य करें और परिग्रह को जोड़ने के भाव रखें, एक तो होती है प्रेरणा कि समाज को प्रेरणा देकर के मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनाना, औषधालय बनवाना एक बात अलग है, लेकिन स्वयं बनवा करके स्वयं बैठना और स्वयं उस पर अधिकार रखना ये जो है परिग्रहवान साधु कहलाएंगे। अधिकार आपका नहीं हो सकता है और ना अधिकार होना चाहिए। यदि यह अधिकार है कि यहाँ पर से मेरी ही चलेगी, किसी दूसरे की नहीं चलेगी, और इस प्रकार का समाज पर अधिकार और सामग्री पर अधिकार कर रखा है, तो वो भी आरंभी परिग्रही साधु कहलाएंगे, ठीक है ना। अधिकार किसी का नहीं होता है, समाज का अधिकार होता है, समाज में रहने वाले व्यक्तियों का, कमेटी जो संस्था बनी हुई है उस संस्था का अधिकार होना चाहिए, ना कि साधुओं का। तो इस प्रकार से उसे स्वीकार करते हैं। वो बात अलग है कि संस्था अपने वात्सल भाव से या भक्ति से उन गुरु महाराज से बार बार निर्देशन ले, मार्गदर्शन ले, उनसे आगे के सब पूछ करके कार्य करे, ये उनका गुरु के प्रति उपकार का है कि उन्होंने उपकार किया था, इसलिए हम गुरु से बार बार पूछ कर सलाह मशवरा करके आगे काम करते हैं। लेकिन गुरु अपने तरफ से अधिकार रखे कि खबरदार जैसा मैं कहूँ वैसा करना, अन्यथा तुमने किया तो तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार का यदि अधिकार रखते हैं तो वो ऐसे गुरु यदि हमें पता है और हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर उनका आदर सत्कार वो गुरु मूर्ता में कहलाएंगे, क्योंकि वो परिग्रह संपन्न कहलाएंगे, ममता और ममत्व भाव उनके अंदर तीव्र भरा हुआ है। तो इस प्रकार से गुरु मूर्ता के अंतर्गत ही आ जाएंगे। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर गुरु मूर्ताएँ देखी। वैसे इस बात का ध्यान रखना, दिगंबर साधुओं के किसी भी अधिकार में परिग्रह नहीं होता है। परिग्रह देखिए, एक तो होता है मन से परिग्रह, मन में अपना उसके प्रति मूर्छा भाव का होना, ये मेरा है, मैंने बनाया है, ये भी परिग्रह है, तो वो अंदर से परिग्रहवान हैं। एक वचन से कह कर के कि देखो ये मेरा है, मेरा अधिकार है, तो वो भी वचन परिग्रह हो गए। और दूसरा काय से वहाँ पर स्थापित हो गए परमानेंट के लिए कि अब मैं यहाँ से टस से मस नहीं हूँगा क्योंकि मेरा इसमें अधिकार है, तो वो कायिक नाम से परिग्रह हो गया। इस प्रकार से वो परिग्रह का और संज्ञा बढ़ती जाती है। और एक बात और ध्यान रखना,
मुनिराज प्रेरणा आदि से बनवाएं और समाज को जागृत करें तो उसमें उनको परिग्रह का दोष नहीं है, वो तो एक मार्गदर्शन दिया करते हैं। कभी भी हमारे दिगंबर साधुओं के नाम से रजिस्ट्री नहीं होती है और ना ही कोई इनके बैंक खाते होते हैं, ना ही कोई अकाउंट्स होते हैं। जो भी होता है संस्था होती है, संस्था में समाज होती है, लोग होते हैं, जैन लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही संचालित संस्थाएँ हुआ करती हैं। बीच बीच में साधु लोग मार्गदर्शन दें तो देना चाहिए, क्योंकि नहीं दे पाते हैं तो संस्थाएं बिगड़ भी जाती हैं, लेकिन उसमें अपना अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ बात जानना, ठीक है ना। अब चलते हैं, अपन पढ़ते हैं लोक मूढ़ता। लोक में प्रचलित मिथ्या मान्यताएं लोक मूढ़ताएं कहलाती हैं। संसार में ऐसी कितनी लोक प्रचलित मूढ़ताएँ हैं जिसके लिए लोग जाने अनजाने में या भूल चूक में अथवा देखा देखी में स्वीकार करते रहते हैं। जैसे कि जल में स्नान करने से मेरे कर्म क्षय हो जाएंगे, मेरे पाप दूर हो जाएंगे, इस प्रकार की जो मिथ्या मान्यता है ये लोक मूढ़ता के अंतर्गत आता है कि स्नान करने से क्या होंगे, मेरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। भैया ऐसा नहीं होता है। यदि गंगा आदि में स्नान करने से पाप का क्षय होता तो गंगा में रहने वाले जितने भी जल जंतु आदि हैं वो तो परमानेंट ही स्नान करते रहते हैं, उनके भी कर्म क्षय हो जाना चाहिए, पर ऐसा देखा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से ऐसी भावनाएं ये लोक मूर्ताएं हैं। वृक्ष आदि को देवता आदि मान करके उनकी पूजा आदि करना ये भी लोक मूर्ता है। अग्नि आदि को देवता आदि मान करके नमस्कार आदि करना ये भी लोक मूर्ता है। इस प्रकार से पहले के समय में बहुत लोक मूर्ताएं चलती थीं। जैसे वृद्ध व्यक्ति हो गए तो उनको पर्वतों से ऊपर से गिरा दिया जाता था धक्का मार करके कि हाँ अब तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो लोग इस प्रकार से, उज्जैन के पास एक पर्वत था तो वहाँ पर लोग इस प्रकार से अपने पिताओं को स्वर्ग आदि देने के लिए इस प्रकार से प्रचलन चल गया था। तो ये भी एक क्या है, लोक मूर्ता थी। यज्ञ करना, बलि देना, पशु पक्षियों को मार करके हमारे देव, हमारे पितृलोक क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। श्राद्ध आदि करना, उनको लोगों को भोजन कराना, पक्षी को भोजन कराना, जिससे क्या होगा, हमारे माता पिताजी लोग प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से पक्षी को भोजन रख दिया, काक को भोजन रख दिया, वो खाएगा, उसके पेट में जाएगा, हमारे पिता के पेट में पहुंच जाएगा। अग्नि में हम स्वाहा करेंगे और जितनी आहुतियाँ देंगे अग्नि के मुख के पेट के माध्यम से हमारे माता पिता के पेट में पहुँच जाएगा। इस प्रकार से पितृलोक में, मातृलोक में वो हमारे माता पिता प्रसन्न होंगे तो बहुत आशीर्वाद देंगे और हमारा फिर काम सधेगा, अच्छा काम होगा, सांसारिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। इस प्रकार की जो प्रचलन की बातें हैं ये सब की सब क्या हैं, लोक मूर्ताओं में आता है। ऐसे अनेकों लोक मूर्ताएं संसार में देखी जाती हैं। चौराहे पर, गलियों पर भोजन आदि रखते हैं और वहाँ पर पूजन आदि करते हैं तो वो भी एक पूजा करते हैं। गोबर आदि की पूजा करते हैं, गोबर के सामान आदि कुछ बनाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। दीपावली में जो नालियाँ हैं उसमें दीपक रखते हैं, वहाँ से लक्ष्मी का प्रवेश होगा, घर में आएगी लक्ष्मी, तो आदि उस प्रकार से उसकी भी वहाँ पर पूजा आदि होती है। न जाने कितनी प्रकार की प्रचलन चलता है, पत्थर को लाल पीला कर लिया और उसको भगवान मान करके फिर लोक मूर्ता में आ जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं संसार में। यदि आप पूरे हिंदुस्तान में जितना अंधविश्वास भरा हुआ है आप लिखने भरने जाएंगे तो लाखों पेज की पुस्तकें बन जाएंगी, इतनी मिथ्या मिथ्या मान्यता व्यक्तियों के अंदर भरी हुई है, ये सब लोक मूर्ता में आता है। नमोस्तु चरश्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग की चीज़ हैं उनको भी पूजना लोक मूर्ता कहलाता है क्या? लौकिक जीवन में ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमारे उपयोगी होती हैं और वो हमारा उपकार करती हैं। जैसे भोजन है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वनस्पति है, जानवर हैं, स्वर्ण हैं, रत्न हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, और भी अनेक वस्तुएं हो सकती है, जैसे तराजू है, बाँट है,
दुकान है, गल्ला है आदि अनेक प्रकार की। इन सब के निमित्तों से हम अपना जीवन यापन करते हैं, जीविका का जो कार्य है वो पूर्ण करते हैं इन सब के साधनों से। तो ये हमारे उपकारी तो हैं, किस क्या उपकारी हैं, हमारे प्राण रक्षा के लिए कि धन होगा उससे हमारा सामान आएगा तो हम उसको खरीदेंगे, उसको हम खाएंगे पिएंगे आदि अनेक प्रकार का कार्य हो सकता है। तो प्राण की रक्षा के कारण वो उपकारी हैं, पर नमस्करणीय नहीं हैं, वंदनीय नहीं हैं, पूजनीय नहीं हैं। जल से हमारे जीवन की रक्षा है क्योंकि जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि जल जो है अब कोई देवता है, कोई भगवान है तो हम उसका आदर करें, ठीक है। हम किसी का अपमान नहीं करते हैं तो कोई हम सम्मान भी नहीं देते हैं, हम सम्मान किसी का ना दें तो किसी का अपमान भी ना दें, लेकिन उसे हम लोक मूर्ता में उसे भगवान मान लें तो वो क्या हो जाएगी, लोक मूर्ता हो जाएगी। इसी प्रकार अग्नि के उपकार से हमें क्या बोलते हैं कि भोजन आदि का पकना और भी अन्य वस्तुएँ बनती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि अग्नि हमारे लिए क्या हो गया, भगवान हो गया। इसी प्रकार से स्वर्ण है, रत्न है, हम रत्न पहने हुए हैं तो वो रत्न ठीक है हमारे लिए एनर्जी क्रिएट करते हैं और उस एनर्जी से हमारे शरीर का स्वस्थपना आदि अनेक चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो रत्न जो है अब उसको पार्वण नमस्कार करो, ओहो तू भगवान है, तू देवता है, रत्न देवता है, ग्रह देवता है, इस प्रकार से ऐसा नहीं मानना और ऐसा नमस्कार आदि नहीं करना, धर्म नहीं मानना। कहने का मतलब ये है जो जो लौकिक चीज़ें हैं वो उपकारी, जैसे गाय हमारे लिए उपकारी है, दूध देती है हमारे लिए, औषध का काम करती है, जीवन देती है, तो इसका मतलब कि अब उसके लिए हम आरती उतारना चालू कर दें, उसको प्रणाम कर दें, उसको माला पहनाएं, भगवान मान लें, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर हमारी आत्मा परमात्मा बने और जो परमात्मा हैं उन्हीं को ही हमें वंदना नमस्कार किया जाता है। बाकी लौकिक वस्तुओं का हम अपमान नहीं करते हैं, ऐसे नहीं कि तराजू को पैर मार दें, अस्त्र शस्त्र को पैर मार दें, ये तो असभ्यता है। जिससे हमारा उपकार हो रहा हो और उसको हम क्या करें, उसका हम अपमान करें तो वो क्या है, असभ्यता है। तो असभ्यता के कार्य नहीं करना, लेकिन उसका हम धर्म मान करके आदर सत्कार करें, बाँट के पैर पड़ें, तराजू के पैर पड़ें, गल्ले के पैर पड़ें और अपने शटर के पैर पड़ें, तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं ये सभी की सभी चीज़ें कैसी हैं, वो लोक मूर्ताएँ में आ जाएंगी जहाँ पर धर्म का भाव आ गया, क्योंकि ये धर्म हैं, इनके अंदर देवी देवता हैं, भगवान हैं, इनके बिना कुछ हो नहीं सकता। इस प्रकार का यदि विचार आ जाए और तो हम नमस्कार आदि करते हैं तो क्या होगा, वो लोक मूर्ता में आएगा, मिथ्या मूर्ता कहलाएगी। आचार्य सोमदेव सूरी महाराज कहते हैं, सर्वे ही जैनानाम प्रमाणम लोकको विधि न यत्र सम्यक्त हानि न व्रत दुरूषणम। क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मुझे संसार की सारी लौकिक बातें मान्य हैं लेकिन कंडीशन अप्लाई, क्या ना सम्यक्त हानि ना व्रत दूषणम, मेरा सम्यक्त में हानि नहीं होना चाहिए और व्रत में दूषण नहीं लगना चाहिए, वो सभी लौकिक चीज़ें मुझे मान्य हैं, लेकिन यदि मेरे सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है और मेरे व्रत में दोष लग रहा है तो वो कोई भी संसार की चीज़ मुझे मान्य नहीं है, ये कंडीशन रखना है। हमें संसार की समस्त लौकिक चीज़ें, जैसे मान लो माँ बच्चे की नज़र उतार रही है, ठीक है, नेगेटिविटी ऊर्जा आती है उसको उतारना है, तो वो उसमें नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो पंच परमिष्टि का इसमें अवलंबन लेकर के वो उतार रही है, जिससे मेरे सम्यक दर्शन में कोई दोष नहीं लगा, ये उपचार है, उपचार कर लिया, उसकी नेगेटिविटी हटा दी। लेकिन यदि मेरे सम्यक्त में दोष लगता है कि नहीं वहाँ पर मत्था टेकने से, यहाँ पर ये करने से, वहाँ ये करने से इसकी नज़र उतरेगी, ये होगा, वो सब मिथ्या में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कार्य हमको नहीं करना है जिससे हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो, हमारा व्रत भी नष्ट हो, ऐसा कोई भी लोकाचार हमको नहीं अपनाना है। देखा देखी कुछ भी हमको नहीं अपनाना है, हमें सत्यता की खोज करना है, सत्य में जाना है और सत्य को जानने के बाद ही उसमें हमारे अंदर सच्चे देव शास्त्र गुरु प्रति समर्पण भाव हो, उस उद्देश्य से ही हमें उसे स्वीकार करना है। बाकी अन्यथा सब कुछ क्या हो जाएगा, लोक मूर्ता के अंतर्गत ही आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने आज लोक मूर्ता के बारे में जाना।
इस प्रकार से यहाँ पर आलोक मुहूर्ता का जो बात है, चर्चा है, समाप्त करते हैं, संपन्न करते हैं। अब हम सब लोग जनवाणी स्तुति करते हैं। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र जी के तीसरे अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जो कि आप सबके सहयोग से छपी है, और चौथे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है। जो भी महानुभाव चौथे अध्याय की पुस्तक के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का टाइम है। 5 दिन के अंदर अपने अपने नाम नीचे दिए गए नंबरों पर लिखवा दें और चौथे अध्याय की पुस्तक के पुण्यार्जक बनने का लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।